चार्ज रह गया। लाइन चार्ज याद है गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन थी, हमने ई निकाला था। अब वो कहता है यहां पर क्या निकालो, वी लगाओ फॉर्मूला, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, प्रूफ नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की जगह पुट कर दें, लिमिट पुट कर दें, वन बाई आर डी आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग आर टू द बेस ई आंसर। एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, क्लियर है तो बढ़िया है। तो आज काफी ज्यादा फॉर्मूलाज कर लिए पर हमने इसकी एप्लीकेशन नहीं की। शेल्स और स्फेयर बताने में एक लेक्चर लग गया कि ये ऐसा होता है, क्वेश्चन तो किया ही नहीं कोई भी, अभी तो बताया है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस तब करेंगे जब इसके फॉर्मूलाज याद होंगे, जब फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन में कहां से लगाओगे, है ना प्रॉब्लम, सही बोल रहा हूं ना, क्योंकि टाइम क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ना शेल और स्फीयर मिक्स चलेगा। अभी आ रहा है टेस्ट, ये ले घंटी मार दी, अब टेस्ट आ जाएगा ठीक। तो नेक्स्ट टाइम आपका जो टेस्ट होगा ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और शेल और स्फीयर के फॉर्मूलाज का होगा। मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगा लिखने को, टेस्ट ले आओ, फॉर्मूलाज दूंगा लिखने को, आप शेल और स्फीयर के सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे ई और वी के, तो याद हो गए, एक नंबर का एक फॉर्मूला, दस फॉर्मूले दस नंबर, नहीं याद करोगे दस गए, याद कर लोगे तो दस बदल दस आएंगे, और तरीका क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं, सही बोल रहा हूं ना ठीक। तैयारी करना, टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है।